गल नूं थोड़ा जिहा अगे वधाया जाए दोस्तों। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्हां दे गाने च हैगी है कि जिन्हों असी एक गवैयापन कहने हैं। अच्छा, यह गवैयापन एक ऐसी चीज़ है कि हो सकता जिहड़ा आम लिसनर है वह उन्हों बहरहाल अपने तौर पर कितने ना कि समझदा है और उन्हें इंजॉय भी करता है, मगर एवं कि हो सकता उन्हों फौरी तौर पर यदि समझ ना आए कि यह की कह रहे हैं, क्योंकि जिस वेल असी एक्सप्रैशन कहने हैं ना यह हर बंदे तक पहुँचता है। शायरी का एक एक्सप्रैशन है, पेंटिंग का है, एक्टिंग का है, डांस का है। इस वक्त असी गल कर रहे हैं तो वो एक एक्सप्रैशन है, और सारा आर्ट असल एक्सप्रैशन के ही मुख्तलिफ रंग ने। यह चीज़ थोड़ी जी टैक्निकल है और मैं थोड़ा जहा कोशिश करा कि इनू मैं शेयर करा, और बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी समझते हो गए ऐसी गल नहीं। गवैया पन असी असल खास तरह सुर लाण नूं कहने हैं, उन्हों सुर का इस्तेमाल, वो बहलावे, और एक खास तरीके दे नाल सुर सपाट ना होए, बेमज़ा ना होए, और अच्छा लगे। और कुछ तो नैचुरल हुंदा है और कुछ ए गायकी नाल कीता जांदा है। फिर गवैयापन की खास गल है भी हुंदी है दोस्तों, आवाज़ थले दे सुरां च और उत्ते सुरां च इक्को जिही होए। अगर आवाज़ बहुत बारीक है, आवाज़ बहुत घगी है, आवाज़ बहुत थले थले बोलती है, या थले दे सुरां च और उत्ते सुरां च आवाज़ का आकार और लहजा एक नहीं रहिंदा, तो असी उन्हों गवैया आवाज़ नहीं कहांगे। मैडम नूरजहां की एक गवैया आवाज़ सी, उहदी एक वजह यह सी कि उन्होंने काफ़ी फनकार उन्हों का कराना सी और बचपन तो उन्होंने क्लासीकल की तालीम सी। निजी महफलों बहुत अच्छी ठुमरियाँ गाते होंगे सर, मगर ज़्यादा उन्होंने अपने कमर्शियल काम में ठुमरी कितने कितने यूज़ किया, ज़्यादातर उन्होंने ठुमरियाँ नहीं गाइया। तो मगर एवं सन ए मालूम हैगी है कि उन्होंने ट्रेनिंग का एक हिस्सा सी। ऐसी आवाज़ का दोस्तों आ खुद एक रोब हों, और मैं इतों तक कहंगा कि एक खास चीज़ ऐसी आवाज़ होंगी जी उन्होंने आवाज़ ऐसी कि तुम घट गाओ तो ज़्यादा लगता, यानी सिंपल चीज़ भी इस तरह की आवाज़ तुम गौर करो उन्होंने गाण की कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी भारी निस्पतन और बेस वाली आवाज़, मगर थले उत्ते एक आवाज़ और एक खास फोर्स के नाल उत्थे सुर लग रहे हैं। सुर जिस वेले पूरे लगन और फोर्स ना लगन ते फिर ही वो ऐसा रस्ता देंदे ने दोस्तों कि उहदे राही एक्सप्रैशन दिता जाए। आम तौर पर जिहड़े रवायती गवैये होंदे ने ना जी, वह तो एक्सप्रैशन नाल गाते ही नहीं, वह टैक्निकल गाते हैं। एक ट्रेनिंग का किस्सा होंगे, हम बहुत ज़्यादा जो पता चल गया किसी को कि बई बेसुरा होंगे, कंसुरा होंगे, फेड आउट है होंगे, फेड इन है होंगे, तो फिर उन्होंने ही कई बार संभालने से लग जाता है। और या अगर एक लय का बहुत ज़्यादा पता चल गया कि जनाब बराबर लय वै तो मध है वै तो दुरत है वै, ऐसी जाहिर है खुद एक दुनिया है, लय वै तो एक पूरी दुनिया है, सुर एक दुनिया, ईवन आवाज़ एक पूरी दुनिया है। आवाज़ बोलने लिए और होंगी है, और गाने तो असं रियाज करने सारा कुछ करने। गवैये आम तौर पर इन्हों चीज़ों उलझ जाते हैं जिड़ी कि यकीन जरूरी चीज़ा ने, मगर यह नहीं कि इन्हें ही उलझ जाओ तो जी गल दिल चो निकलनी है और आई जाए। तो इन्हों कि वह सीखे पुछे आर्टिस्ट होने के बावजूद, चूंकि बहरहाल वो एक हसास खातून सन और अदाकारा भी सन। अच्छा, अदाकारा होंदा उन्होंने फायदा होया, मगर होर तरह, मतलब मैं उन्होंने जाती तौर पर बहुत गैर मामूली अदाकारा नहीं समझता, मेरे हाल कोई भी नहीं समझता, मगर वो चीज़ नू बहरहाल म्यूजिक और अपने एक्सप्रैशन बड़े अच्छे तरीके उन्होंने वरत्या। सो इसी तरह तुम अगर देखो कि एक तरफ एक्सप्रैशन है, एक तरफ उन्होंने एक खास गवैया अंदाज है, और यह बेक वक्त अच्छा यह दो चीज़ा कट्ठिया बहुत घट हों, वो मैं वजाहत कर दी है कि जिस वक्त कहते ना इग्नोरेंस इज ए ब्लैसिंग, वो ठीक गल की है, कहते जहालत नेमत है जी, किस तरह नेमत है कि जिस वक्त तू चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता ना, जिंदगी मुश्किल भी हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिन्होंने एक शायर ने कहा कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, जे पता ही नहीं सुरदा तो मैं बड़ा खुल के गावगा जनाब, पता चलेगा ना फिर मैं डरांगा और मुहतात होवगा कि भाई ऐसा ना। एक चीज़ का तुम जिन्हों पता होंगे ना वो प्रोफेसनली जरा मुहतात गाँव है, तो जरा जिन्होंने असं अताई कहने क्वैक कहने पता ही नहीं तो डर किस गल का, ठीक है ना जी। तो यह सारिया चीज़ों के बावजूद एक टैक्नीक उलझन दे उलझ के तो करन की बजाय उन्होंने हमेशा इस तरह चीज़ों बयान किया कि वो स्क्रीन पर भी चंगी लगी हैं, और बाद चो असी जिस वेले उन्होंने सुनिया तो भी सू अच्छी लगी हैं। तुहानू मैं याद करवाना कि मियाँ मुहम्मद बख्श होरां दे प्रोग्राम एक गल असी तुहानू बार बार दसी कि क्योंकि गल बहुत जरूरी सी कि सफरुल इश्क उर्फ सैफुल मलूक वो बार बार कहते हैं कि जनाब अजकल तो कोई शायरी समझदा ही नहीं, तो जे सुनदा ही नहीं कहते पहले,
ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੇਤਲੀ ਔਰ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਦਾ। ਐ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖਨ ਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਕਿ ਮਰ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰ ਵਟਾ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਦੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਮਜ਼ਾ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੁਖਨ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਜ਼ਾਹਦਾ ਪਰਵੀਨ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਔਰ ਹਮਦ ਅਲੀ ਬੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਦੁਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੇ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅੱਖੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਚੰਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਜਾਈਏ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਚੰਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅੱਖੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਕਾਨੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਹੈ, ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੋ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਥੋਂ ਕਾਨੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ, ਹੋ ਸਾਥੋਂ ਕਾਨੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਾਏ ਮਲਾ ਫੇਰ ਲੈ ਮੁਖ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਾਏ ਮਲਾ ਫੇਰ ਲੈ ਮੁਖ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇ, ਹੋ ਤਾਨੇ ਪਈਆਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੀ ਸਖੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ, ਹੋ ਸਾਥੋਂ ਕਾਨੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ। ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਂ
एक तुहाडे नाल शेयर करा, उस तो बाद असीं अगले गाने की तरफ जावांगे। एक दफ़ा उन्होंने मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात बड़ी यादगार सी, मैं बाकी तफसीलात छड़ना ताकि गल ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैं सा और गवर्नमेंट कॉलेज म्यूजिक सोसाइटी के होर भी कुछ दोस्त हैं, तो सानू मैडम ने कहा कि जनाब आम तौर पर किया जाता है कि गाना पहले सीखा जाता है तो फिर गाया जाता है। तो मैडम कहन लगे कि मैं कहनी हाँ कि पहले सीखा जाता है फिर अपने अंदर बंदा रचांदा है फिर गाँव है, और उस तो बाद एक इजहार है बड़ा क्रिएटिव फिक्रा कि उन्होंने कहा कि गाँव वो है जिदा रचद। सो देखो जी बड़ी बड़ी काम की गल है कि रचाओ एक्सप्रैशन का भी हों, रचाओ सुर का भी हों, रचाओ लय का भी हों, रचाओ एक लफ्ज़ का और तलफुज का भी हों, तो अच्छे सुनने वाले भी और अच्छे गाने वाले भी इन्होंने चीज़ों जहन च रखते हैं और चीज़ा जहन च रखनिया पैदा। रचाओ का काम है कि तुम शुरू करोगे ना बिल्कुल म्यूजिक सीखना, तो शायद दोस्त बहुत सारे दोस्तों लिए गल नवी ना होए, और कई लिसनर लिए अगर गल नवी है तो अच्छी गल है। मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि सुर का मतलब है कि खास फ्रीकुएंसी तो तुसी आवाज़ नूं ठहराना है तो फिर उन्होंने कायम रखना है। ऐ नहीं हो सकता कि तुम सा कहो तो रे लग जाए, हैं जी माँ कहो तो वह ना पता चले कि तीवर माँ है या कोमल माँ है। इस वो फिर एक पूरी ट्रेनिंग है, तो शुरू च बाहर वाली एक कैद का एक लगता जकड़बंदी का एहसास होंगे। लय का भी इस तरह है कि यह नहीं हो सकता कि तुम दादरा कह के तकैरवा शुरू कर दो, अगर तुहाड़े छे मात्रे ने तो छे तो सत्त हो गए तो वह रिदम बदल गया, अठ हो गए तो कुछ होर ना हो गया। यह नहीं हो सकता कि तुम इनू आपस कन्फ्यूज करो या एक जरा एक चक्कर बनाया लैन उस तो बाहर निकल जाओ। उस तो बाद दोस्तों फन है कि कैद कैद ना रवे और उस पाबंदी च आज़ादी माणो, आज़ादी इंजॉय करो। अज की साड़ी शख्सियत ने अमली तौर पर यह सारा कुछ कर विखाया, जिसकी वजह न मौसीकी दे तारीख च और पाकिस्तान हिंदुस्तान की और साउथ एशिया के म्यूजिक उन्होंने एक बड़ा नाम बनया। एक गाना तुहाडे नाल शेयर कर रहा, वाह जी वाह, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी। अच्छी शायरी, अच्छी मौसीकी, अच्छी गायकी, ये चंगा वक्त सी और डर लगता है कि ये वक्त कितने बिल्कुल लंघते नहीं गया, क्योंकि अजकल एक ऐसा भी अंदाज है कि आपे ही लिख लेना है तो आपे ही तर्ज बना लेनी है तो आपे ही फिर उन्हें जैसे अच्छे बच्चे पोएम पढ़ते हैं ना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उसने गा देना। प्रोग्राम का वक्त मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो ही गया तकरीबन। साड़ा है प्रोग्राम जनाब सूफी संगीत इतवार हफ्ते नू 10 to 12 होंदा है, इतवार नू दोपहर 2 to 4 होंदा है, और FM 95 तो पेश किया गया है। मुहम्मद जवाद ताड़ी खिदमत हाज़िर है, बल्कि हुण खुदा हाफिज़ कहण नू तैयार है। आखिर इच जनाब मैं मैडम नूरजहां की आवाज़ इच गाना तुहानू सुनाना है, बहुत मशहूर जियो ढोला, और उहदे बारे मैं तुहानू दसना है कि जियो ढोला जिहड़ा गाना गया है मेरे उस्ताद दा बनाया है, और दो भरा सन सलीम हुसैन इकबाल हुसैन और सलीम इकबाल के नाम तो मशहूर सन। इकबाल साहब नूं मैं नहीं वेख्या, तो सलीम हुसैन साहब की मैं बाकायदा शागिर्दी इख्तियार की, दिल्ली घराने दे लोग सन। सलीम साहब खुद बहुत अच्छा गाते सन, बहुत अच्छे कंपोजर सन, सरदार खान साहब के वो शागिर्द सन। तो जियो ढोला सुनो और मैनू और FM 95 तो प्रोग्राम सूफी संगीत तो इजाज़त, अल्लाह रखा, खुदा हाफिज़।